जी शिवाय नमस्ते मैम। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, क्या पूजा विधि है, क्या कर रहे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, कौन सा समय प्रदोष काल होता है, सभी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। छोटी सी है, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान शंकर हैं, प्रदोष काल में महादेवी का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें व्रती को सायकाल शिवजी जी का पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्त्रोत का पाठ विशेष लाभदायक होता है। लंकापति रावण शिवजी जी का अनंत भक्त था और रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए सोने की लंका और अथा धन संपदा और सिद्धियां प्राप्त की थी। स्त्री लक्ष्मी प्राप्ति एवं कष्टों से निवृत्ति के लिए शिव तांडव स्त्रोत का पाठ अचूक उपाय है। प्रदोष काल में पूजा करके रावण कृत शिव तांडव स्त्रोत जो पढ़ता है भाव भक्ति से, वह सर्वत्र ही विजयी होता है। प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर होता है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह शिव की कृपा सवा ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव जी को प्रसन्न करता था और सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर शिव स्मरण करते हुए निर्हार रहना चाहिए। सायकाल सूर्यास्त से एक घंटा पहले पूर्ण स्नान करके गंधमदार पुष्प विलम पत्र और धूप दीप निवेद आदि पूजन सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। पांच रंगों को मिलाकर पंच पुष्प की प्रकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और देवाधिदेव शंकर का पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं, जैसे ओम नमः शिवाय और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं, इस प्रकार का मंत्र जरूर जापें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चढ़ाते हुए यदि आंखें खुली हुई हैं तो दृष्टि जो है आपकी वो जलधारा पर टिकी होनी चाहिए। यदि भक्ति भाव से आंखें मंद हो गई हैं तो ध्यान जप के शब्दों पर अर्थों के साथ चल रहा होना चाहिए आपका। जिस कामना पूर्ति हेतु आपने व्रत किया है उसकी प्रार्थना भगवान शिव के श्रद्धा भाव से समक्ष रखें। शिव जी के लिए साथ पार्वती जी और नंदी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। अपने बिजनेस या फिर पति के बिजनेस की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के लिए प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय रंगोली वाले पांच अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं और उन रंगों में एक गोल आकृति की रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली में बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद लें और प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अगर अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो आप प्रदोष के समय समी पत्र को साफ कर पानी से धो लें और शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। अब जान लेते हैं कि क्या है इसकी महिमा। दोस्तों धर्मशास्त्रों में प्रदोष और त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामना कैलाशपति पूरी करते हैं। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने से 100 गायदान का फल भी मिलता है और तन मन धन से आपको ये पूजा करनी चाहिए, जब भी आपका इसका पूरा फल मिलेगा। विधि विधान से अब जान लेते हैं उद्यापन। विधि विधान से दोस्तों इस व्रत को करके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इच्छा की पूर्ति होती है। अब व्रत रखने वाले को 11 त्रयोदशी यानी कि 11 त्रयोदशी या वर्ष भर की 26 त्रयोदशी भी रख सकते हैं आप, उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले घर में गणेश पूजन कर भजन कीर्तन नृत्य रात्रि जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन सुबह शुद्ध होकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर उसका श्रोणोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ओम उमा संहिताय नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 108 बार खीर की अग्नि में आहुति देनी चाहिए और हवन के बाद किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण आचार्य को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती इस लोक में धन धान्य पुत्र आदि से होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों जरूर करिएगा
और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड, प्रदोष व्रत से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। टाइम बता देती हूँ, प्रदोष का कौन सा समय होता है, जैसे ही दिन ढलने को होता है उससे पहले ही, 10 मिनट पहले ही आपको मंदिर जाना होता है, और 8 बजे तक आप प्रदोष की पूजा कर सकते हैं। घर के बाहर मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। प्रदोष के दिन कहते हैं, प्रदोष के दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। जिस घर में ये उजाला दिखते हैं वहीं पर अपना निवास करते हैं। प्रदोष के दिन जरूर अपने मुख्य द्वार पर दीपक लगाना है आपको। अब बता देती हूँ प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं, सभी प्रदोष व्रत बताऊँगी मैं इस वीडियो में। सबसे पहले बता देती हूँ जो हमारा उसका है, जून का प्रदोष व्रत। जून का प्रदोष व्रत जो है 4 जून को रखा जाएगा, मंगलवार का दिन पड़ेगा और ये भोम प्रदोष व्रत कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो व्रत है ये जो शुरू होगा सुबह ही शुरू हो जाएगा और एंड इसका होगा 10:01 पर शाम को 4 जून को। तो आप 4 जून को ये व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा 19 जून को व्रत रखा जाएगा बुधवार के दिन, जो बुध प्रदोष कहलाएगा। वार के हिसाब से ही प्रदोष कहलाए जाते हैं। जुलाई में 3 जुलाई को पड़ेगा वेनसडे में, जो बुध प्रदोष कहलाएगा। इसके अलावा जुलाई में 18 जुलाई को पड़ेगा थर्सडे को, जो गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। वार के हिसाब से ही प्रदोष व्रत करे जाते हैं। और अगस्त में थर्सडे वाले दिन पड़ेगा, ये गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। ऐसे ही 17 अगस्त को पड़ेगा शनिवार के दिन, जो शनि प्रदोष कहलाएगा। और अगस्त में 21 31 को पड़ेगा, जो सैटरडे।